दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का एग्जामिनेशन का डेट ख़त्म हो चुका है जो कि 31 मार्च था। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस टाइप का एग्जामिनेशन होगा। तो इस वीडियो में आप हमें बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पांडे गुरु जी में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन का प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं कि कैसे कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेलवे का हिंदुस्तान लाइफ का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको हम बता रहे हैं कि एक बहुत ही सटीक न्यूज है ये, कोई न्यू इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ताकि विश्वास हो कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो न्यूज़ है जो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आज के दिन ही पब्लिश हुआ है। तो रेलवे में निकाली 90,000 भर्तियों के लिए आवेदन का दौर खत्म हो गया है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 मार्च थी जो कि निकल चुकी है। इस बम्पर वैकेंसी के लिए करीब 3.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। जी दोस्तों, लगभग 3.25 करोड़ 1 लाख वैकेंसी के लिए आवेदन किया गया है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टेक्नीशियन ग्रुप डी का, दोनों का टेक्नीशियन और एएलपी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी के लिए कैसे होगा सिलेक्शन? ग्रुप डी पदों के लिए सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो CBT टेस्ट में जो पास करेंगे उसको दौड़ने के लिए 35 kg वेट का होगा, और PET टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें यहाँ पे लिखा होगा कि सबसे पहले होने वाली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा देने के लिए उन उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। विभिन्न श्रेणियों के क्वालिफाइंग प्रतिशत अलग अलग होगा। अनारक्षित क्षेत्रीय के लिए, श्रेणी के लिए यह 40%, OBC के लिए 30%, SC श्रेणी के लिए 30% और ST श्रेणी के लिए 30% निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वालिफाइंग का मार्क्स है जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि जेंडर के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC ST के लिए 30% का और ST के लिए 30% निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों की PET मीन्स आप जब भी एग्जामिनेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले को बेस्ट टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मीन्स दोनों का एग्जामिनेशन के को कंबाइन करके एक फिर लिस्ट निकाला जाएगा, जिसके बाद जो भी स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई करेंगे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं ग्रुप सी जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए होगा। तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए दोनों का एक ही एग्जामिनेशन है जो कि फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस होगा। सेकेंड स्टेज में CBT होगा, मीन्स CBT मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको कोई फिजिकल फिटनेस का टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है ग्रुप सी और टेक्नीशियन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन जो कॉमन होता है होगा बोथ टेक्नीशियन के लिए और LP के लिए। फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद उसमें भी कुछ परसेंटेज हैं, जैसे कि जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% आप मार्क्स लाएंगे तो CBT सेकेंड एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। उसके बाद एक और एग्जामिनेशन का टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये चरण केवल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होगा। सेकेंड स्टेज CBT के पार्ट बी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को पार्ट ए प्रमतांग के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ALP की कुल वैकेंसी का 8 गुना मीन्स सपोज ALP का 10,000 वैकेंसी है तो 80 हज़ार वैकेंसी बंदे को बुलाया जाएगा।
उसके बाद उस क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आगे देखते हैं कि टेक्नीशियन के लिए क्या प्रोसेस है। टेक्नीशियन के लिए सर जो फर्स्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज CBT होगा, उसके बाद तीसरा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट CBT में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, OBC उम्मीदवारों को 30%, SC को 30% और ST उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। इस टेस्ट में आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे और तो आपको नहीं रुका दिया जाएगा। आगे प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ये परीक्षा LP और टेक्नीशियन दोनों पद के लिए कॉमन होती है। मीन्स आपको दोनों CBT जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो ALP और टेक्नीशियन के लिए दोनों के लिए कॉमन होगा। उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सेकेंड स्टेज CBT में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को सेकेंड स्टेज CBT के लिए बुलाया जाएगा। मीन जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे फर्स्ट CBT में उसको सेकेंड में बुलाया जाएगा। उसके बाद पार्ट ए के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी का 2 स्टेज का एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आपको सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट नहीं अभी मांगा जाता है। तो ये सब सारी प्रक्रिया आपको एग्जामिनेशन के क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों ये बेसिकली आपको बताना था कि आप कैसे कोई भी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस एग्जामिनेशन को संबंधित जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे वीडियो को कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और कोई भी कमेंट जैसे बताना चाहते हैं या अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू बताएं और दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।